आज का टॉपिक है बच्चों लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड से पहले डिमांड क्या होती है पहले ये समझिए। डिमांड और डिज़ायर या वांट्स तीनों सेम लगते हैं लेकिन तीनों में फ़र्क होता है। वांट्स क्या होती है, डिज़ायर क्या होती है, बेटा ह्यूमन बींग है उसकी वांट्स क्या होती है अनलिमिटेड होती है, उसकी डिज़ायर क्या होती है अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड वांट्स को वो फुलफिल साइज नहीं कर सकता, उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है। तो वो क्या है ये डिज़ायर वांट्स, इसकी कब तक डिमांड नहीं बनेगी जब तक वो उसको ख़रीदने के लिए तैयार ना हो और उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो, ठीक है ना। तो डिमांड वह क्वांटिटी होती है जिसमें बायर उसको ख़रीदने के लिए तैयार भी हो और उसको पे करने ख़रीदने के लिए जिस भी प्राइस पे वो अवेलेबल है उसको देने के लिए वो तैयार, इट इज़ कॉल्ड डिमांड। यानी कि खाली डिमांड इच्छा है ले ली खरीदने के लिए लेकिन वो खरीदने के लिए तैयार नहीं है वो डिमांड नहीं कहलाएगी। डिमांड तब तक नहीं कराएगी जब तक वो ख़रीदने के लिए तैयार हो और तब तक उसको पेमेंट करने के लिए भी वो तैयार ना। डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड शेड्यूल होता है डिमांड टेबल, यानी डिफरेंट प्राइस पे डिमांड कितनी है, डिफरेंट प्राइस पे डिमांड कितनी है किसी भी कमोडिटी की जिसमें कस्टमर परचेज करने के लिए तैयार। एक होती है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल यानी इंडिविजुअल डिमांड टेबल, एक होती है मार्केट डिमांड टेबल। इंडिविजुअल डिमांड टेबल क्या होती है जिसमें सिर्फ हम एक कस्टमर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक कस्टमर की किसी भी चीज़ की डिफरेंट प्राइस पे क्या उसकी डिमांड होती है। मान लो कोई कस्टमर है उसके किसी चीज़ की आइसक्रीम पे एग्जांपल दे रखा है इसमें कि अगर आइसक्रीम के प्राइस पर यूनिट 1 रुपये है 1 रुपीज़ है तो वो कितनी डिमांड करता है, ओनली 4 यूनिट, टोटल कितनी 4। जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ हो गए 2 रुपीज़ हो गए डिमांड कितनी हो गई, प्राइस के इंक्रीज़ होते ही डिमांड कितनी हो गई उसके लिए 3, यानी जैसे ही प्राइस बढ़े उसने डिमांड कितनी करी सिर्फ 3 यूनिट्स की। ऐसे प्राइस फिर बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई डिमांड उसके लिए फिर कम हो गई। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या, इंडिविजुअल डिमांड टेबल क्या होती है, वह टेबल जिसमें हम सिर्फ क्वांटिटी दिखाते हैं एक कस्टमर की डिमांड दिखाते हैं कि डिफरेंट प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होने से उसकी डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ता है। सेकेंड है मार्केट डिमांड टेबल या मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसका मतलब क्या होता है, जिसमें डिफरेंट कस्टमर के डिफरेंट डिमांड को गिवन प्राइस पे हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट प्राइस पे एक कस्टमर की क्या डिमांड है, दूसरे कस्टमर की क्या डिमांड है। जैसे कि इस टेबल में देखिए किसी कमोडिटी की प्राइस दे रखी है एक्स कमोडिटी, मान ली कुछ भी हो सकता है वो एप्पल ऑरेंज कुछ भी, 1, 2, 3, 4। एक है ए कस्टमर की डिमांड, एक है बी की। 1 रुपीज़ पे एक कस्टमर की डिमांड है बेटा 4 यूनिट और बी की कितनी है 5। ए की डिमांड है 4 यूनिट और बी की डिमांड है 4। प्राइस इंक्रीज़ हुए 2 रुपीज़ हो गए, ए की डिमांड हो गई 3 और बी की डिमांड हो गई 4। ए की डिमांड हो गई 4, इन डिमांड डिक्रीज़ हो गई प्राइस के बढ़ते ही डिमांड क्या हो गई डिक्रीज़। ए की डिमांड हो गई 3, उसकी डिमांड हो गई 4। ऐसे फिर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो दोनों की डिमांड धीरे धीरे घट रही है। अगर दोनों की डिमांड को हम इकट्ठा करें तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, वो डिमांड क्या कहलाएगी मार्केट डिमांड। वो डिमांड हमारी क्या कहलाएगी मार्केट डिमांड, यानी एक्स कमोडिटी की 1 रुपीज़ प्राइस पे टोटल डिमांड कितनी है दोनों कस्टमर की मिला के 9। सेकेंड 2 रुपये होते ही डिमांड कितनी हो गई डिक्रीज होके लेस होके 7। ऐसे प्राइस बढ़ते जाएगी डिमांड कम होती जाएगी। तो ये होता है मार्केट डिमांड, यानी मार्केट डिमांड इज़ द सम ऑफ टोटल डिमांड फॉर ए कमोडिटी बाय द ऑल द बायर। ये तो हमने सिर्फ 2 कस्टमर का एग्जांपल लिया है। जैसे कि किसी भी कमोडिटी की अगर डिफरेंट कस्टमर की टोटल डिमांड के बारे में डिस्कस किया जाए, टोटल डिमांड के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसको कहते हैं मार्केट डिमांड। अगर इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना चाहे तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व एक ही व्यक्ति का कर्व है और वैसे भी उसका डिमांड कर्व क्या होगा, उसका स्लोप क्या होगा डाउनवर्ड। स्लोप डाउनवर्ड क्यों, प्राइस बढ़ते जाएगी डिमांड कम होती जाएगी, प्राइस बढ़ते जाएगी डिमांड कम होती जाएगी। जैसे कि इसमें दे रखा है डायग्राम में इंडिविजुअल डिमांड कर्व, प्राइस स्लोप डाउन। मार्केट डिमांड कर्व दोनों का अलग अलग बनाओ चाहे इकट्ठा बनाओ। जैसे कि इसमें देखिए इसमें कस्टमर ए का भी दे रखा है डिमांड कर्व, कस्टमर बी का भी दे रखा है और दोनों का कंबाइंड भी दे रखा है। ए का डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड आएगा। स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होती जाएगी वैसे वैसे डिमांड डिक्रीज़ होती जाएगी, तो वो उसका स्लोप हमेशा डाउनवर्ड होएगा।
नेक्स्ट है कि कौन कौन से प्राइस, कौन कौन सी फैक्टर सॉरी उसको डिटरमाइन करते हैं किस चीज़ को, डिमांड को। सबसे पहले तो प्राइस का इफेक्ट पड़ता है, प्राइस बढ़ेगी डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। सेकेंड होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, जो गुड्स आपस में रिलेटेड होते हैं, जो आपस में रिलेटेड होते हैं उसमें दो कैटेगरी आती है, एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स जिसको हम एक के बदले दूसरे को यूज़ कर सकते हैं, चाय की जगह कॉफ़ी, पेप्सी की जगह कोक, और पेन की जगह पेंसिल, जिसमें हम किसी और को यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक के प्राइस इंक्रीज होते ही दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, फर्स्ट के प्राइस इंक्रीज हुए तो उसकी प्राइस, उसकी डिमांड डिक्रीज होगी, लेकिन उसी के सब्स्टिट्यूट की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी प्रकार प्राइस अगर उसी कम्युनिटी के डिक्रीज हो रहा है तो उसकी डिमांड तो इंक्रीज होगी, लेकिन दूसरी कम्युनिटी जो उसका सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड होता है बेटा कम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसमें क्या होता है कम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो गुड्स एक दूसरे के साथ कम्प्लीट होते हैं, यानी बिना एक के दूसरे की कोई भी वैल्यू नहीं है, जो एक की डिमांड बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ेगी, एक की कम होगी तो दूसरे की भी कम होगी, जैसे कि पेन और इंक, पेन में इंक डलेगी, पेन अगर बन रही है पेन की डिमांड है तो इंक की डिमांड भी होगी, यानी पेन के प्राइस बढ़ते ही तो पेन की डिमांड कम हो गई तो उसी प्रकार इंक की डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये होता है कम्प्लीमेंट्री गुड। थर्ड होता है इनकम ऑफ द गुड्स, कस्टमर की इनकम, कस्टमर की इनकम बढ़ते ही डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कस्टमर की इनकम घटते ही डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर मतलब क्या होता है कि जैसे ही किसी कस्टमर की इनकम बढ़ी तो गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, और जैसे ही किसी कस्टमर की इनकम डिक्रीज होएगी उसकी गुड्स की डिमांड भी डिक्रीज होगी, वो कम स्पेंड करेगा उस गुड्स पे, किसी भी गुड्स पे इनकम के डिक्रीज होते ही। अब इसमें भी तीन चले, नंबर फोर्थ पे है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, किसी के टेस्ट के अकॉर्डिंग, किसी की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो सारा क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग भी क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। टेस्ट में किसी को आदत पड़ी हुई है, उसको आदत है तो उसकी गुड्स की डिमांड, अगर टेस्ट के मतलब जो टेस्ट वहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग भी उसकी डिमांड बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही, बढ़ाते हैं कल और डिस्कस करते हैं।